ये है कृष्णलाल पवार जिन्होंने नामांकन भर दिया है। अब आपको बता रहे हैं जो तमाम लीडर्स से जब वो जा रहे हैं अपना नामांकन भरने, तो उससे पहले की खबर भी आपको बता रहे हैं। इसराना हल्के से चुनावी मैदान में है वो नामांकन से पहले, और उन्होंने रोड शो किया क्योंकि सभी, जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, शक्ति प्रदर्शन चल रहा है और ये इनका रोड शो 37 किलोमीटर लंबा रहा। सोचिए कितनी शक्ति दिखाने की कोशिश तमाम लीडर्स के द्वारा की जा रही है। जो बड़े चेहरे हैं कम से कम वो तो इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि जब वो जाएं, जब उनका आगे जनसैलाब जाए तो वो लोगों तक ये पहुंचा पाए संदेश, और तमाम जो उनके टकराव में हैं उनको भी ये संदेश पहुंचे कि देखिए कैसा शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। के उम्मीदवार किशनलाल पवार अपना नामांकन भर के आए हैं और उनसे जानेंगे कि 37 किलोमीटर के रोड शो के लगभग बाद जो है उनका क्या कहना है। आप लगभग 37 किलोमीटर का रास्ता लगभग मैं समझता हूं तय करके आए हैं, नामांकन भर दिया, क्या कहेंगे इसके लिए? आपने खुद अपनी आंखों से देखा है कितने किलोमीटर लंबा काफिला था और लोग सब अपने साधनों से आए थे, आशीर्वाद प्यार देने के लिए आए थे। तो इसलिए आज कार्यकर्ताओं का हौसला देख के निश्चित तौर पर लगता है कि सराना विधानसभा में 21 तारीख का जो चुनाव होगा, मैं सराना विधानसभा के सब मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद देना। और जो 5 बार आपने लगातार मुझे विधानसभा में भेजा है, तो अब कार्यकर्ताओं ने, मतदाताओं ने ये कहना शुरू कर दिया है कि क्रिकेट में कोई भी चौका मारता जब ताड़ियां बजती हैं, छक्का मारता जब ताड़ियां बजती हैं, तो मैं 5 बार बना हूं, तो लोगों की दिल इच्छा है हम भी छक्का मार करके अपने उम्मीदवार को विधानसभा। आपने बीजेपी सरकार ने 75 पार का नारा दिया है। मैं आपके साथ जिस रथ पे इंटरव्यू कर रहा था, इत्तफाक से उस रथ का, जिस गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, HR 75 था, क्या इत्तफाक था या आपने गाड़ी नंबर देख के चूज किया था? नहीं, मैंने इत्तफाक था और भगवान जो करता है सही करता है, वो गाड़ी का नंबर मैंने चूज नहीं किया। मैंने उस पे नजर डाला, उस गाड़ी का जो है नंबर है HR 75, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण, ये परमात्मा ने उस गाड़ी को मैं बैठने का मुझे अवसर दिया जिसका 75 नंबर है। तो देख सकते हैं ये है इसराना के बीजेपी के गद्दावर उम्मीदवार जो है किशनलाल पवार। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जिस रथ पे सवार थे इनकी, यानी कि रथ के शब्दों में कहें तो उस गाड़ी का HR नंबर यानी कि HR 75 था। बीजेपी ने नारा भी दिया है 75 का, लेकिन इनका कहना है वो 76 को उसको पार लगाएंगे। तो साफ तौर पर इनकी उम्मीदें हैं। कैमरामैन विनय के साथ मुकेश गुप्ता, हरियाणा न्यूज, पानीपत। देख रहे थे आप और कितने भव्य उन्होंने रैली निकाली ये भी आपने देखा, और कैसे वो बात करते हुए बड़े खुश नजर आ रहे थे, मतलब नामांकन भरने जा रहे हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज देख के ऐसे लग रहा था कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं, जैसे जीत के लिए बड़े आश्वासन उनके पास हो, आश्वस्त हो, ये हमने देखा था। तो तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि पवार जी जब निकले तो एक लंबा काफिला उनके साथ गया अपना नामांकन वो